अभी जो मैं रेट बता दूं ये सिर्फ 25,900 रुपए की। अच्छा, यानी 5,000 रुपए गिर चुके हैं इस पे। 5,000, ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है। वैरायटी में तो हमारे पास हर ब्रांड होता है, जैसे बोनेक्स हुआ, ओसाका, एजीएस, ठीक है, और एक्साइड, इस चार कंपनी पे हमारा फोकस है। और बड़ी से बड़ी बैटरी हमारे पास होते हैं, टुबलर बैटरी 3500 मॉडल नंबर उसके होते हैं। कार की बैटरियां तो हमारे पास बहुत होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो ड्राई बैटरियां होती है कार वाले लगाते हैं वो तो हम बहुत कम पैसों में देते हैं। सोलर पैनल पे तो आजकल ये 585 वाट की बहुत ज्यादा डिमांड आती है, घर में एक दो पंखे चलाने के लिए सबसे ज्यादा इसकी हमारे पास वो आते हैं। देखिए हमारे पास ये एजीएस की भी पड़ी हुई है। अच्छा, एजीएस की भी है। ये एजीएस की है, ठीक है। और साथ में ये ओसाका की MF50 भी है जो ड्राई बगैर पानी वाली है। बगैर पानी वाली है, सबसे ज्यादा रनिंग इस बैटरी की है। अच्छा, हर घर में, हर जगह, हर दुकान पे, हर होटल पे आपको ये बैटरी नजर आएगी। पूनम भाई आपको एक बात बता दूं, 100 एम्पीयर ऐसा है जैसे मतलब दिन में अगर हमारी 100 बैटरियां बिकती है उसमें 90 100 की जाती है। आपको हर किस्म की बैटरी मिल जाएगी, हर ब्रांड की बैटरी मिल जाएगी, जिसमें एक्साइड भी है, फोनिक्स भी है, ओसाका भी है, तमाम किस्म की बैटरी आपको मिल जाएगी। और जो बैटरी के रेट है वो तकरीबन होलसेल के रेट पर मिल जाएगी, पूरे कराची में आपको होलसेल के रेट पर आपको मिल जाएंगे। तो मुर्तजा ट्रेडर्स से आलम भाई हमारे साथ हैं, चलते हैं आलम भाई के पास और जानते हैं क्या क्या वैरायटी उनके पास मिल जाएगी। सर, इसके अलावा और बताते चलूं कि यहाँ पर आपको सोलर पैनल की वैरायटी मिल जाएगी, 585 के लॉन्जी एंड जिनको के सोलर पैनल मिल जाएंगे उनके भी रेट आलम भाई से जानेंगे। तो आलम भाई के पास चलते हैं और आपको एक डिटेल वीडियो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो पूनम भाई? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आलम भाई ये बताएं कि माशाल्लाह से आपकी माशाल्लाह से दुकान फुल माशाल्लाह भरी हुई है दुकान बैटरी से, तो क्या क्या वैरायटी हमारे व्यूअर्स को आपकी शॉप पे मिल जाएंगे आलम भाई? वैरायटी में तो हमारे पास हर ब्रांड होता है, हर ब्रांड अवेलेबल होता है। हम फोकस खास ब्रांडेड ब्रांड पे करते हैं, जैसे बोनेक्स हुआ, ओसाका, एजीएस, ठीक है, और एक्साइड, इस चार कंपनी पे हमारा फोकस है क्योंकि बैटरियों में तो हम तकरीबन 20 साल से इस फील्ड से वाबस्ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो कोशिश ये करते हैं कि ब्रांडेड चीज दें और अच्छा चीज दें, कम पैसों में दें। ठीक है। अच्छा आलम भाई ये बताइए कम से कम कितने एम्पीयर की बैटरी आपके पास होती है और मैक्सिमम कितने एम्पीयर की बैटरी आपके पास मिल जाएगी? हमारे पास सबसे कम बैटरी है वो 50 एम्पीयर का है, ठीक है, 5 प्लेट वाली जो 5,700 रुपए की इस टाइम प्राइस हम चलाते हैं, ठीक है, 7,500 रुपए की बैटरी है, हम 5,700 रुपए चलाते हैं। जबरदस्त। और बड़ी से बड़ी बैटरी हमारे पास होते हैं, टुबलर बैटरी 3500 मॉडल नंबर उसके होते हैं, ठीक है, 300 जेन्युइन एम्पीयर होते हैं, तकरीबन इस टाइम 78,000 रुपए के हम चलाते हैं, जो मार्केट 85 या 86,000 रुपए की चलती है। अच्छा, ये वही बैटरी है जो सोलर पे भी लग जाती है? ये वही बैटरी है जो सिर्फ सोलर पे चलता है, सिर्फ सोलर पे चलती है, ये ट्रकों वगैरह में नहीं लगते हैं, स्पेशली सोलर के लिए ये बना हुआ है। अच्छा, जो टुबलर बैटरी कहलाते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास 4 से 5 ब्रांड है। अच्छा, एक्साइड के हैं, ओसाका के हैं, फोनिक्स के हैं, और एक नया कंपनी तो नहीं है, बहरहाल लोगों के उसमें नहीं है, होक कंपनी। अच्छा, होक भी है इसमें हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कार वगैरह की बैटरी आपके पास मिल जाती है? कार की बैटरियां तो हमारे पास बहुत होते हैं, ठीक है, स्पेशली जो ड्राई बैटरियां होती है कार वाले लगाते हैं वो तो हम बहुत कम पैसों में देते हैं। अच्छा, पुरानी बैटरी भी हम अच्छा खासा पैसों पे लेते हैं। अच्छा, और बाकी कुछ पैसे बचते हैं तो 1 साल रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ देते हैं। अच्छा, मेंटेनेंस फ्री बैटरी होते हैं वो, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई कार वाला आपके पास आया तो मैकेनिक वगैरह बैठे होते हैं आपके, वो बैटरी एक्सचेंज करने के लिए लगाने के? वो तो हमारे पास लड़के बैठे होते हैं, बैठे हैं, तो जब तक वो कार वाले हमारे साथ बैठते हैं या चाय हम उसके लिए चाय पिलाते हैं जी, तो इतने देर में 5 से 10 मिनट लेते हैं क्योंकि ये बैटरी चार्ज हुआ पड़ा होता है, ठीक है, जबरदस्त हो गया, तो वो 10 मिनट में बैटरी नया लग जाती है 1 साल वारंटी के साथ, ठीक है। अच्छा ये बताएं कि इसके अलावा और क्या चीज होती है बैटरी के तेजाब वगैरह, ये भी अवेलेबल आपके पास? बैटरी के जो तेजाब होते हैं वो तो हमारे पास होते हैं, वो सिर्फ हम अपने नए बैटरों में डालते हैं। अच्छा, बाकी डिजिटल वाटर आते हैं तो डिजिटल वाटर बोतलों में आता है, 1.5 लीटर बोतल होते हैं, वो बैटरियों में बाद में यूज होते हैं, फर्स्ट टाइम जो है ना इसमें सिर्फ एसिड डालते हैं। अच्छा, एसिड डालते हैं, बाकी जितने भी बैटरी की लाइफ है उसमें डिजिटल वाटर डाला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आलम भाई ये बताइए कि जो सोलर के हवाले से वायर्स वगैरह लगती हैं
या कुछ और कनेक्शन वगैरह लगते हैं वो भी अवेलेबल है आपकी शॉप पे? जी हमारे पास सोलर के सारे जो चीजें लगती हैं, मतलब सोलर पैनल से लेके इन्वर्टर से लेके बड़े प्रोजेक्ट्स वाले हमारे पास आते हैं, 3 केवी से लेके 8-10 केवी तक हम उसको लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए आलम भाई की सोलर पैनल में कितने वॉट के आपको पास सोलर पैनल मिल सकते हैं और मैक्सिमम कितने वॉट के मिल सकते हैं? सोलर पैनल पे तो आजकल ये 585 वॉट की बहुत ज्यादा डिमांड आती है। ठीक है, ये डबल साइड के वो होते हैं, डबल ग्लास के होते हैं, डबल ग्लास के होते हैं जी, तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा आती है। ये प्रोजेक्ट में तकरीबन 8 पे अभी लगता है, 10 भी लगता है, 12 भी लगता है। ठीक है, अच्छा किस ब्रांड के पास अवेलेबल है? सबसे ज्यादा जो चलता है फोरम भाई वो जिंको और लॉन्चिंग चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो दोनों आपस में जाएंगे? जी जी दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ आलम भाई के हम बैटरी की वैरायटी देखते हैं, उसके बाद कुछ सोलर पैनल की वैरायटी हमें दिखाइएगा। ठीक है फोरम भाई, फोरम भाई जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताए थे कि सबसे जो छोटी बैटरी है ये 5 प्लेट की बैटरी है, ये 5 प्लेट की, वो साका ब्रांड आपको दिखा रहा हूँ, बाकी हमारे पास सारे ब्रांड अवेलेबल होता है। ठीक है, ये आपको डब्बे से खोल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि लोगों को सही पता चल सके, एक आइडिया हो जाए। ये 5 प्लेट की बैटरी है, 50 एम्पीयर है, 50 एम्पीयर है। लोगों को घर में 1-2 पंखे चलाने के लिए सबसे ज्यादा इसकी हमारे पास वो आते हैं। अच्छा, इस पे हम कितने AC DC फैन चला सकते हैं? दो पंखे आप चला सकते हैं, अगर साथ में 1-2 लाइट हो वो भी चला सकते हैं। ठीक है, वैसे मैक्सिमम लोग 1 पंखे के लिए ये ले जाते हैं। अच्छा, अगर किसी को दूसरा पंखा भी चलाना हो तो वो 100 एम्पीयर पे जाते हैं। अच्छा, वो थोड़ा ज्यादा बैकअप देता है क्योंकि वो बैटरी बड़ी है, तो आजकल लोड शेडिंग ज्यादा हुआ है तो फिर चार्ज होने का मौका नहीं मिलता, तो बड़ी बैटरी है कि वो बैकअप में ज्यादा देर चलेगी। अच्छा आलम भाई ये बताइए कि अगर हम 1 पंखे पे चलाते हैं और 2 लाइटें चलाते हैं तो कितने घंटे का ये बैकअप? 8 घंटे। ठीक है, ये 3 से 4 घंटे तक चल सकता है ये जो छोटी बैटरी है। अच्छा, ये क्योंकि ये 5 प्लेट की बनी हुई है, इसकी प्राइस बहुत कम है, तो ये 4-5 घंटे चलेगी, बाकी जो 100 वाली है वो 2 पंखों पे 4 लाइटों पे 8 घंटे चलेगी। 8 घंटे चलेगी मसले। और ये बताएंगे ये 50 एम्पीयर की बैटरी ये चार्ज होने में कितना टाइम लगाती है? जितना आप यूज करते हैं बैटरी की, जो भी बैटरी आप लेंगे, जितना आपने यूज किया, फर्ज करें 1 घंटा आपने यूज किया तो 1 घंटा वो छोटे चार्जर पे। अच्छा, घर में जो छोटे चार्जर रखे हुए हैं फिर 1 घंटे में वो चार्ज मुकम्मल। अच्छा, होती है, पूरी होती है। अगर हम हैवी चार्जर लगाएंगे तो जल्दी चार्ज होगा? अगर 30 एम्पीयर लगाएंगे तो वो तो फिर जल्दी चार्ज होगा। अच्छा, जितने एम्पीयर चार्जर की ज्यादा होंगे उतने जल्दी चार्ज होगा, यानी चार्जर से भी इफेक्ट पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, वो तो छोटी चार्जर 10 एम्पीयर होता है और बड़ा 30 एम्पीयर होता है, तो इसमें फर्क हो जाता है, थोड़ा टाइम का फर्क आ जाता है। अच्छा ये बताएं कि उसाका के अलावा 50 एम्पीयर में और कौन कौन सी बैटरी मिल जाएगी? अगर आप अपने कैमरे की स्क्रीन पे दिखा दे तो ये देखिए हमारे पास ये AGS की भी पड़ी हुई है। अच्छा, AGS की भी है? ये AGS की है। ठीक, और साथ में ये उसाका की MF50 भी है जो ड्राई बगैर पानी वाली है। बगैर पानी वाली है, खास करके गाड़ियों वाले आते हैं कि हम पानी चेक नहीं कर सकते हैं जी। और ये मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, नो प्लेट की बैटरी है, इसकी 1 साल रिप्लेसमेंट वारंटी है। जबरदस्त, 1 साल इसकी 6 महीने की है, इसकी 6 महीने की होती है। सबसे जो छोटी बैटरी है इसे विदाउट वारंटी आती है, लेकिन इसकी लाइफ 2 से 2.5 साल तक होता है, इसमें कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है, अच्छा इसकी प्राइस बताइएगा ड्राई बैटरी की आलम भाई? ये 9,500 रुपए की है, 9,500 रुपए की है, नो प्लेट की है। ठीक है, और इसकी 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी है, ये 9,500 रुपए की है फोरम भाई। और बराबर में जो AGS रखी हुई है? AGS है तो ये तो लिक्विड वाली है, ये 6 मंथ फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं, तो ये गाड़ी में भी लोग लगाते हैं और बाकी जो कमर्शियल गाड़ियां होती है तो उसमें ये लगाते हैं और पंखे के लिए ये लगाते हैं। जो प्राइवेट कार होता है उसमें ड्राई बैटरी लोग ज्यादा लगाते हैं। अच्छा, ये तो मेहरान के अंदर या छोटी गाड़ी? मेहरान, आल्टो, वेक्सार, सुजुकी, ये सब में यही लगता है। और कितने की पड़ेगी ये? ये सिर्फ 9,500 रुपए, 9,500 रुपए। हालांकि इस पे प्राइस देखा हुआ है 11,500 रुपए, तो हम तो होलसेल देते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम कम से कम रेट चलाएं। ठीक हो गया, नेक्स्ट बैटरी कौन सी दिखा रहे हैं? नेक्स्ट बैटरी आपको दिखा दूं तो आप आ जाएं, 100 एम्पीयर पे आते हैं जी, बल्कि ये नया मॉडल आया 110 एम्पीयर के। अच्छा, ये मॉडल नंबर है 110 और 11 प्लेट की है, और जेन्युइन आउटपुट जो है वो 70 एम्पीयर है, 70 एम्पीयर की जी, यानी 100 एम्पीयर शो करता है और 70 एम्पीयर जेन्युइन देता है जी। तो ये एक नया मॉडल है 110, ये सिर्फ 14,000 रुपए के सिस्टम हम चलाते हैं, 14,000 रुपए की, 14,000 रुपए की। रेटिंग कितनी होती है आलम भाई अंदर? इसके अंदर ये मेंशन हुआ है ना 11 प्लेट है, 11 प्लेट मेंशन किया हुआ है, ये
खास करके सबसे ज्यादा रनिंग इस बैटरी की है। अच्छा, हर घर में, हर जगह, हर दुकान पे, हर होटल पे आपको ये बैटरी नजर आएगी। यानी आप इसकी बात कर रहे थे कि ये दो पंखों में और कुछ लाइटों में 8 घंटे बैकअप दे सकती है? आराम से दे सकते हैं ये तो। फिर हम स्क्रैप में अगर 2-2.5 साल चलने के बाद स्क्रैप में भी 6-7 हजार रुपए बचा। अच्छा, है तो ये नहीं कि लोगों के पैसे सारे जाया हो गए। हाँ। नहीं तो उसे आधे से पैसे या उससे कुछ कम पैसे वापस मिल जाते हैं। बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया। ठीक है, अच्छा 100 एम्पीयर में और कौन सी कंपनी की आपको बैटरी मिल सकती है? अगर आप कैमरे में दिखा दे तो ये देखें, ये हमारे पास AGS का है। ठीक है, ये 9 प्लेट की बैटरी है, 100 है और इसकी जेन्युइन 50 है। ठीक है, इसी तरह AGS में आप आ जाएं, इस तरफ आ जाएं, ये देखें ये 11 प्लेटों की AGS की है। ठीक है, अगर मैं आपको AGS में फिर तीसरा 100 वाला दिखा दूं तो ये देखें ये AGS ब्रांड के 15 प्लेट में है। 15 प्लेट में, हाँ ठीक है। तो ये सबके मुख्तलिफ प्राइस है, 14.5 से लेके 20 हजार तक है। अच्छा, 14.5 और 16.5 और 20,500 प्लेटें जितनी ज्यादा होगी वो बैटरी ज्यादा स्टोर रखते हैं। अच्छा, प्लेटें कम होगी तो उस बैटरी में स्टोर कम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मुझे फोनिक्स वगैरह भी नजर आ रही है इसमें मिल जाएगी फोनिक्स? सर फोनिक्स तो आपको अगर आप अपने कमरे में दिखा दें, ये पूरा जो लेंस में पड़े हुए नजर आ रहे हैं ये फोनिक्स कंपनी का है। ठीक है, 100 एम्पीयर मिल जाएगी इसमें भी? ये सारे 100 एम्पीयर है। पूनम भाई आपको एक बात बता दूं, 100 एम्पीयर ऐसा है जैसे मतलब दिन में अगर हमारी 100 बैटरियां बिकती है उसमें 90 100 की जाती है। अच्छा, 90 100 की जाती है, जो भी आता है वो है की बात करते हैं कि 100 एम्पीयर की बैटरी। अच्छा, तो 100 एम्पीयर फिर ये पोलिस वालों ने भी बनाया, ये भी 11 प्लेट की है। ठीक है, और इसकी जेन्युइन जो है ना वो 72 एम्पीयर है। 72 एम्पीयर, हाँ ठीक है। तो ये 15,500 रुपए की पड़ेगी, तकरीबन 16 से 17 हजार तक इसके प्राइस होते हैं। अच्छा, तो इस टाइम जो हम चलाते हैं वो 15,500 रुपए। 15,500, ठीक है। अच्छा आलम भाई, एक सवाल मेरा और ये था कि जैसे माशाल्लाह से आपने सारे ब्रांड के रखे हैं, ओसाका भी है, फोनिक्स भी है, AGS भी है, एक्साइट भी है, तो अगर कोई कस्टमर आता है तो आप कौन से रिकमेंड करते हैं? ब्रांड तो हम सारे बेचते हैं, जाहिर सी बात है हम तो सारे ही बताएंगे। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं कि अड़ोस पड़ोस में पूछ के फिर आते हैं कि आपके घर में कौन सा बैटरी लगा हुआ है। अच्छा, और उसका जेन फिर उसी पे बना होता है, चाहे आप जितना भी बता दे कि फलाना आपने लेना है, उसका एक जेन बना होता है, हमारे पड़ोस में ये लगा हुआ है, वो 2 साल से चल रहे हैं, हमें वही बैटरी चाहिए। यानी आप खुद रिकमेंड नहीं करते, आपने सारे ब्रांड रखे हुए हैं, जो कस्टमर मांगता है वो यहाँ से खालिया भी आएगा, सब मिल जाएगी, सब ब्रांड मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। लेकिन इसके खास जो मैं आपको बताऊँ, इसकी लाइफ जो है ना वो चार्जर के ऊपर है। अच्छा, अगर आप चार्जर में कंजूसी नहीं करोगे, एक ब्रांडेड चीज लेंगे तो बैटरी 3 साल आराम से चल जाएगा। अच्छा, जबरदस्त, चाहे कोई भी ब्रांड हो। अच्छा, अगर चार्जर आपके हल्के वाले हैं तो आप जितने भी अच्छा बैटरी ले लो तो वो आपको खराब कर देंगे बैटरी, वो सही नहीं चलेगा। ठीक हो गया, और नेक्स्ट बताएं इसके बाद 100 से फिर हम अगर बाहर जाते हैं तो फिर आ जाएं खुरम भाई जी। ये ओसाका के हैं, ओसाका के 130 है मॉडल नंबर, इसके जेन्युइन 100 है, ये देखें। अच्छा, 12 वोल्ट अगर आप कैमरे में दिखा दें तो ये ओसाका। ठीक है, ये 4 पंखों के लिए लोग लेते हैं खुरम भाई। अच्छा, 4 पंखे ऐसे चलाते हैं मतलब 5 से 6 घंटे, तो मेरे ख्याल से अगर ये इसकी प्राइस भी बता दो, ये 21,000 रुपए की पड़ेगी। 21,000 रुपए की? 21,000 रुपए की पड़ेगी। ठीक है, तो 4 पंखों के लिए मेरे ख्याल से ये 21,000 वाली बैटरी बहुत मुनासिब है। मुनासिब है, अगर लोड शेडिंग के दौरान 4 पंखे चल जाए 2 से 4 घंटे या 5 घंटे तो मेरे ख्याल से बुरा सौदा नहीं है। अच्छा मुर्दा भाई, मेरे एक बात समझ में आई, जैसे आपने कहा कि 100 एम्पीयर की बैटरी वो 8 घंटे बैकअप देती है, तो ये 130 एम्पीयर की बैटरी 4 घंटे बैकअप कैसे देगी, कम क्यों दे रही है? तो ये मैं 4 पंखों की बात कर रहा हूँ। 4 पंखों की बात कर रहा जी, वहाँ आप हैं जो मैंने आपको बताया है, तो वो तो 2 पंखों की बात हो रही थी। फिर कुछ बड़े फैमिली होते हैं जिनके ज्यादा पंखे चलते हैं, तो फिर तो उसमें थोड़ा उससे बड़ा बैटरी लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपके सामने है, मैंने जो आपको दिखाई है, तो फिर ये 4 पंखे चला, 4 पंखे के हिसाब से जी ये बैटरी है, ये 15 प्लेट की बैटरी है। इसके अलावा इसमें AGS और फोनिक्स वगैरह मिल जाएंगी? इसमें हर ब्रांड हमारे पास, हर ब्रांड मिल जाएगा, हर साइज हर ब्रांड आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं कि मतलब मैं आपको एक ब्रांड बता दूं या एक साइज की बैटरी बता दूं तो बाकी उसमें हर ब्रांड में आपको तकरीबन मिल जाएगी। ठीक है, और ये बताइएगा कि इसमें सबसे जो चीपेस्ट है वो ओसाका ही है या ओसाका की डिमांड तकरीबन हमारे पास ज्यादा है? ठीक है, ठीक है। एक उसकी वजह मैं आपको बता दूं, एक तो बैटरी अच्छी बैटरी है, ठीक है, दूसरी ये कि इसके रेट मुनासिब है, ठीक है,
सबसे कम रेट मुसाका वालों ने रखा हुआ है। अच्छा, और ये कि आजकल आपको पता है महंगाई का दौर है, ऐसे ही तो लोगों की रेंज में आता है ये चीज। अच्छा, और बेकअप उसको ज्यादा मिलता है, लोगों की रेंज में आता है, तो मुसाका पे जो है लोग ज्यादा आते हैं और ज्यादा डिमांड मुसाका के करते हैं। ये नहीं कि दूसरे ब्रांड में बोल रहा हूँ वो हल्का है या खराब है, वो रेंज से बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए लोग मुसाका ज्यादा लेते हैं। ठीक हो गया। और ये बताइएगा आलम भाई कि अगर बैटरी में खुदा ना खास्ता कोई क्लेम आता है तो बैटरी का कस्टमर कंपनी जाएगा या आपके पास आगे क्लेम करेगा? ये जो आपने सवाल किया ये बहुत अच्छा सवाल किया जी। दुकानदार का पता कब चलता है? बैटरी अगर हम बेचते हैं उस वक्त तो दुकानदार की पता नहीं चलता, वो तो बैठे बोल बोल लेते हैं दो चार। बिल्कुल ऐसे ही है। जब क्लेम आता है असल दुकानदार की पता फिर चल जाता है, पता चलता है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ना कंपनी जाने की जरूरत है, जहाँ से उसने परचेस किया हुआ है जी। उसी दुकानदार चाहे मैं हूँ चाहे दूसरा हो, तो उसको जवाबदारी उनके बनती है। जबरदस्त हो गया। तो जो भी कस्टमर आएगा वो आपके पास क्लेम करेगा, हमारे पास आ जाए, हमारे पास आ जाए। ऐसे कई दफा हुआ है कि लोगों ने कोई दूर से लिया है जी, मतलब हमसे उससे परचेज नहीं किया किसी दूसरे दुकानदार, वो कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, दूर पड़ता है, हमारा 1000 रुपए का पेट्रोल लगता है, तो हमने उनके साथ आवन किया, क्लेम दिया है हमने। जबरदस्त हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा अगर क्लेम आता है तो आप फॉरन बैटरी चेंज करते हैं या उनको टाइम देते हैं? सर पहले तो उनको कुर्सी में बिठा देते हैं, फिर उसको एक गिलास पानी पिला देते, ठंडा हो जाए, ठंडा हो जाए, क्योंकि वो पहले तो थोड़ा गुस्से में होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। खान साहब कैसे बैटरी दी है, तो चलता नहीं है। फिर हम उस बैटरी को चेक करते हैं। अच्छा, कि भाई मसला कहाँ से आ रहा है। बहुत सारी बैटरियां जो हमारे पास आते हैं वो चार्जर में हल्का वाला चार्जर ले लेते हैं, बैटरी 0 पे आई होती है, डिस्चार्ज होता है, उसकी ग्रेविटी नहीं होती। अच्छा, तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाना पड़ता है कि सर ये क्लेम नहीं है, ये वीक नहीं है। अच्छा, तो इसमें चार्ज नहीं है, हम चार्ज करके देंगे इंशाल्लाह, अच्छा चलता है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग समझने वाले समझ जाते हैं जल्दी, और कुछ लोग उस पर जिद करते हैं कि नहीं ये तो वारंटी होते, वारंटी तो खराब बैटरी की होती है, डिस्चार्ज बैटरी की तो नहीं होते वारंटी। तो कोशिश हम ये करते हैं कि अगर वो क्लेम हो तो हम क्लेम दे देते हैं, उनसे जो कस्टमर आते हैं उनको तो हम कुछ कहते हैं नहीं सिवाय पानी पिलाने के। हाँ। तो हम डायरेक्ट अपने शागिर्द के कहते हैं कि जाके इनके एक बैटरी चार्ज करके दो। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। ठीक है, ठीक है आलम भाई, फिर नेक्स्ट आइटम बताए, नेक्स्ट कौन सा बैटरी सर? अगर आप कैमरे में दिखा दे तो दुकान तो माशाल्लाह बैटरियों से भरी हुई है, ऐसे ही माशाल्लाह। अगर हम आपको एक एक दाना बताएंगे तो मेरे ख्याल से एक हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, अगर आप मुख्तसर सा दिखा दे, इसके बाद आप आ जाए इस पे, आप करें, ये 200 मॉडल नंबर है 200। हाँ, तो ये 21 प्लेट की बैटरी है। किस प्लेट की बैटरी है? ये जनवन 120 एम्पीयर की जी, 120 एम्पीयर देते हैं। सही, अगर आप ये तो मेरे ख्याल से ये ट्रकों में भी लगता है। अच्छा, यूपीएस पे भी लगता है। ठीक है, सोलर पे भी लगता है। ठीक है, बैटरी की मैं असल बात बता दूं आपको। हाँ। पूरम भाई, बैटरी जो है ना वो आपके पास एक स्टोर होता है, करंट स्टोर। अच्छा। रखते हैं बैटरी। ठीक, ठीक। जितना बैटरी बड़ी होगी उतने आपके पास स्टोर ज्यादा होगा। ठीक है, तो बैटरी जितनी छोटी होगी तो आपके पास स्टोर कम होगा। बिल्कुल सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी बैटरी है और बैकअप भी ज्यादा है, और बैकअप जाहिर सी बात है जब बैटरी बड़ी होगी आप पैसे खर्च करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट तो आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और बैकअप आपको परेशानी नहीं होगी, खास करके जो गर्मियों में आजकल लाइट चली जाती है, बहुत ज्यादा जाती है, तो फिर लोग बड़ी बैटरियां भी लेते हैं जिनके रेंज में आता है। ठीक है, महंगाई का दौर है, लोग कोशिश करते हैं कि हमारे कम से कम पैसे खर्च हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हम तो रेट बहुत कम चलाते हैं। दूसरी बात खुरम भाई आपको बता दूं कि बैटरियों के रेट जो पिछले साल बढ़े हैं बहुत ज्यादा बढ़े, इस साल तो खैर नहीं बढ़े, उसी जगह पे हैं जहाँ थे पिछले साल जनवरी से, रेट बहुत बढ़े थे मई तक जी, तो हम तो फिर भी वही पुराने रेट चला, क्योंकि जिस तरह बैटरी की डिमांड बढ़ी है उस तरह रेट भी बढ़े हैं। रेट भी बढ़ते हैं, जितना भी आप कहने का मतलब ये, रेट डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है फौरन। अच्छा आलम भाई, इसकी प्राइस बताइए कितने की पड़ेगी ये 21 प्लेट की बैटरी? ये अगर आपको खुरम भाई एक हफ्ता पहले की मैं बात बता दूं, ये 30,500 रुपए की, 30,500 रुपए की थी, और अभी जो मैं रेट बता दूं ये सिर्फ 25,900 रुपए की। अच्छा, यानी 5,000 रुपए गिर चुके हैं इस पे। 5,000, ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है। अच्छा, एक हफ्ते की, ज्यादा अरसे की बात नहीं है कि मैं आपको बोलूं इतना या इतना अरसा हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ये 5,500 रुपए इसकी प्राइस कम हुआ है। बेहतरीन हो गया। ये जो पड़े हुए अगर आप कैमरे में दिखा दे, ये पूरी लेन जो पड़ी है अगर आप कैमरे में दिखा दे। ठीक हो गया।
जबरदस्त हो गया। इसके बाद आलम भाई तुम्हें वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, तो हम डायरेक्ट इस पे चलते हैं कि 16 बैटरियां भी होती है, बड़ी बैटरियां। 16 बैटरियां अगर आप कैमरे में दिखा दे, ट्रोलर के नाम से जो आते हैं ये फोनिक्स कंपनी के पड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा इसमें बताइएगा हमारे व्यूअर्सों को क्या क्या एम्पियर आते हैं इसमें। तो ब्रांड तो हमारे पास सारे हैं, इसमें 1800 मॉडल नंबर आते हैं। ठीक है, और ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आप दिखाते हैं ये 2500 मॉडल है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं 3000 मॉडल। ठीक है, उसके बाद आते हैं 3500 मॉडल। ठीक है, तो आपका सारे अवेलेबल है? सारे अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको वेयर हाउस ले जाऊंगा, वहाँ पे पड़े होते हैं, यहाँ पे तो आते ही जाते हैं। ठीक है, तो सबसे इसमें बड़ी बैटरी जो है ना खुरम भाई, वो 3500 मॉडल नंबर होता है। 3500 मॉडल, तकरीबन इसके एक हफ्ता पहले जो रेट था वो 86,500 था। ठीक है, तो अभी तकरीबन 78,000 रुपए इसके। अच्छा, 7-8 हो गया। हाँ, तकरीबन 7,000 या 6,000 इसके लगभग रुपए से कम हो गया। अच्छा, ये फोनिक्स के रेट ही बता रहे हैं? जी, फोनिक्स के रेट हम बता रहे हैं। इसी तरह सारे बैटरियों पे, सारे पे हुए। एक साइड की अगर मैं आपको बता दूं, बाकी आपको फोनिक्स तो आपको बताया ही है, और एजीएस के बता दूं, एजीएस के भी कम हुए हैं। तो इस तरह सारे जो रेट है वो काफी गिर चुके हैं। ठीक हो गया, और इसके बाद जो मीडियम आती है 3500 में, मीडियम कितनी आती है? 3500 से कम तो 3000 आते हैं। 3000 आती है, 3000 की उसकी रिक्वायरमेंट वो बहुत कम है। अच्छा। 2500 रुपए, 2500 जो मॉडल नंबर है जी, वो ज्यादा चलता जो ये रखा हुआ है, ये जो आपके सामने है, 3000 की डिमांड बहुत कम आता है। ठीक है, दोनों के ऊपर प्राइस बता दीजिएगा, 2500 का 3000 के। और ये जो 2500 वाले है ये तकरीबन 72,000 रुपए की थी एक हफ्ते पहले। अच्छा, और अभी 64,000 रुपए, अभी 64,000 रुपए की, 64,000 रुपए की। ठीक हो गया, और वाजपेयी वो जो था वो 75,000 की, 3000 थी, अभी तकरीबन वो 70,000 रुपए, 70,000 रुपए की हो गई। हाँ, जो 3000 मॉडल है। ठीक है, इसी तरह हर ब्रांड में खुरम भाई अलग अलग रेट है। ठीक है, अगर एक साइड पे हम आ जाए, एक साइड 2500 जो मॉडल है ये मैंने आपको 64,000 बताई, वो 57,500 रुपए की। अच्छा, इसी एम्पेयर में, इसी मॉडल नंबर में कार कंपनी ने अपने हिसाब से अपना रेट रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से फोनिक्स की डिमांड सबसे ज्यादा आती है। अच्छा, तो फोनिक्स की प्राइस दूसरों से थोड़ा ज्यादा है, ज्यादा है। टुबलर बैटरी के हवाले से मैं अभी बात कर रहा हूँ आपके साथ, बाकी बैटरियों के नहीं। ठीक हो गया, अच्छा आलम भाई ये तो खैर बैटरियों के प्राइस होगा, इसके अलावा बहुत सारी बैटरियां, अगर आप सबका रेट बताने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। वो तो बहुत सारी बैटरियां, बहुत सारी बैटरियां, एक कंपनी कम अज कम 50 से 60 साइज बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो अगर आप 4-5 कंपनियों की गिनती करें तो मेरे ख्याल से ये में हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो एक शॉर्ट टाइम में हम एक पैनल के भी रेट ले लेते हैं आपसे, कि पैनल अगर आप स्क्रीन में दिखा मौजूद है और पैनल के रेट्स क्या होंगे, ये आप अगर वो दिखा दे जो 585 खुरम भाई आती है आजकल, किस ब्रांड का है? जिनको और लॉन्ची दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, और ये आपको आपके सामने जो है स्क्रीन पे जी, तो इसमें लॉन्ची भी है और जनको भी है। ठीक है, ये तो 32,000 का रेट तकरीबन आज से 2-3 महीने पहले, ऐसे ही है, ऐसे ये तकरीबन अभी 22,000 रुपए का, 22,000 रुपए की पड़ेगी, 22,000 रुपए का 585। अच्छा, तो तकरीबन 15 साल इसकी गारंटी होती है, 15 साल की गारंटी है। तकरीबन इसकी लाइफ जो मैं आपको बता दूं तो 30 साल इसकी लाइफ। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। ठीक है, अच्छा आलम भाई ये बताएं कि कोई हमारे व्यूअर्स यहाँ विजिट करना चाहे तो अपने जो आउटलेट है इसका एड्रेस बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। एड्रेस तो बहुत मुख्तसर सा है, ये अल आसिफ स्क्वायर का नाम लोगों ने सुना होगा, अल आसिफ के सामने एक पेट्रोल पंप है कल्टेक्स का। ठीक है, तो वो सामने पंप के साथ वाली बिल्डिंग, जैसे आप पंप से हाईवे से टर्न हुआ तो पहले बिल्डिंग के नीचे 3रा नंबर दुकान है। अच्छा, मुर्तजा ट्रेडर्स के नाम से, और ये रास्ता सीधा गुलशन की तरफ गया हुआ है, गुलशन अबुल हसन रोड जा रहा है। हाँ, अबुल हसन अस्पानी रोड इसको कहते हैं। ठीक है, जो सफारी पार्क से शुरू हुआ है और आके मस्कन पे, मस्कन के बाद पेराडाइज बेकरी, पेराडाइज से सीधा कहीं टर्निंग होना है तो आपने ये सामने हमारी शॉप है मेन रोड पे, और चप्पल गार्डन के सामने, चप्पल गार्डन के सामने। ठीक है, और दूसरी एक बात ये बताइए कि अगर कोई हमारा व्यूअर्स ऑनलाइन मंगाना चाहे, चाहे कराची में, चाहे कराची से बाहर है, तो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं आप? कराची के अंदर तो कर सकते हैं, वैसे अच्छा। हमारे पास तो फोन तो पंजाब से भी आते हैं, इस्लामाबाद से भी आते हैं, तो दूसरे शहरों से भी आते हैं। हमने फिलहाल माजरत की है, ठीक है, कि हम वहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि इतना टाइम नहीं है। बिल्कुल ऐसे कराची के अवाम या कराची के लोग जो है ना बहुत मसरूफ होते हैं। बिल्कुल ऐसे कराची की जिंदगी एक फास्ट जिंदगी हो गई,
तो इसलिए हम कहते हैं, माजरत करते हैं बार बार कि सिर्फ कराची वालों को दे सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी करते हैं या पहले एडवांस पेमेंट होती है? एडवांस पेमेंट होती है, एडवांस पेमेंट होती है, तो फिर हम बाइक के थ्रू या किसी थ्रू कोशिश ये करें कि हमारे कस्टमर हजरात हैं खुद आए, खुद देखे, खुद विजिट करें, सामने होगी तो वो देख के ले जाए। हाँ, तो हमारे पास तो आप देख रहे हो शर्टों की तादाद में क्वालिटियाँ मौजूद है, ब्रांड मौजूद है, तो वो अगर खुद आ जाए बाद में उसको ये नहीं होगा कि काश में फलाना बैठी ले जाता। अक्सर यहाँ से ले जाते हैं जब कोई दोस्त वहाँ किसी महफल में बैठते हैं, तो जब बेटियों की जिक्र आते हैं कि यार आपने तो फलाना लेना चाहिए था, उस बंदे की फिर जहन बदल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कस्टमर को बताते हैं कि आप आ जाएं, पहले विजिट कर लें, बेटी अपने तरफ से पसंद कर लें, ठीक है, तो फिर उसमें कोई मसला या प्रॉब्लम आ जाए तो फिर मसला नहीं होता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का आलम भाई। खुर्रम भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास आए, कीमती टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah.